हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ और हल्का हल्का अभी अंधेरा टाइप में ही है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, छत पे मैं कपड़े डाली हुई, कल का ही डाला हुआ है, सूखा नहीं है अभी तक, क्योंकि कल का मौसम थोड़ा सा ठंडा जैसा था, इसीलिए अभी तक सूखा नहीं है। तो इसे मैं बाद में उठा लूँगी जब धूप होगा तो। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा आई हूँ मैं वॉकिंग करने, और उसके बाद जाऊँगी घर का काम करने। और हस्बैंड गए हैं जिम करने, सुबह सुबह ही चले जाते हैं, नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी से आने के बाद सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो वो भी निकल गए हैं 5 बजे। और उनके आने के बाद मुझे उनके डाइट पे भी ध्यान देना होता है, उनके लिए कुछ कुछ बनाना होता है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ और बाद में अपना काम कर लूँगी। और ये देख सकते हैं सुबह का नज़ारा, बिल्कुल शांत है, कोई नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। और एकदम चिड़िया ची ची कर रही है ना, इतना सुंदर उसका मीठा मीठा आवाज़ आ रहा है। ये जस्ट बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसपे बहुत ज़्यादा मंकी रहता है और हमको बहुत परेशान किया हुआ है, डेली कुछ न कुछ ले जाता है। यहाँ रहता है और यहाँ से ये देखिए, ये है जाली, और इधर से ही आ जाता है और सीधे हमारे किचन से जाकर और कुछ न कुछ डेली ले लेता है। वॉकिंग करने के बाद सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे सुबह में ना बहुत ज़्यादा काम होता है, और हस्बैंड ड्यूटी से आकर और जिम गए हुए हैं, तो उन्हें नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, तो मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ। और दूसरी तरफ अंडा बॉयल होने के लिए छोड़ दी हूँ, और मैंने रात में चने भिगोकर भी रख दिए थे, तो मैं उनके लिए मूंग और चना एक तरफ साइड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें अभी आने में टाइम है। ये सब अरेंज करने के बाद मैं रूम का सफाई कर लूँगी, इसलिए मैं अभी आ गई हूँ रूम में। और यहाँ पर बेड वगैरह क्लीन करने के बाद, क्योंकि वो खाना पीना खाने के बाद सोएंगे, इसलिए मैं इधर रूम भी अरेंज कर दे रही हूँ आने से पहले। और रूम की सफाई करने के बाद मैं हॉल की भी सफाई कर ले रही हूँ, और मम्मी जी के रूम का तो सफाई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उनका रूम लॉक है, तो वो मैं बाद में कर लूँगी, उतना भी जितना भी हो सकता है मुझसे मैं भी कर ले रही हूँ। और मेरा सफाई ख़त्म होते ये भी आ गए हैं जिम से, तो अब मैं फिर से चली जाऊंगी किचन का काम करने। और ये देखिए, तब तक मेरा गर्म पानी भी हो गया, इससे टाइम का काफ़ी बचत होता है, क्योंकि मैं बाद में पानी गर्म करती ना तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही पानी चढ़ाकर उसके बाद साफ़ सफ़ाई करने गई थी। और अब मम्मी जी भी उठ गई हैं, तो उनके लिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है, बहुत कुछ काम होता है, क्योंकि घर की टोटल सफाई, खाना, नाश्ता सब कुछ सुबह ही होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है। और अभी वो फ्रेश होने गए हैं, तब तक मैं उनके लिए ओट्स बना रही हूँ। बॉयल हो चुका है, तो इसे भी मैं छिलकर और एक तरफ ओट्स बना रही हूँ सबको बनाकर, और मैं इन्हें अभी ही दे दूँगी।
और अब मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चाय सिर्फ मैं सुबह में मम्मी जी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पीती सुबह में और ये भी नहीं पीते हैं, तो सिर्फ मम्मी जी के लिए बनाई हूँ। और अब मेरे ओट्स भी बन चुके हैं। ये सब करने के बाद मैं लग जाऊँगी फिर नाश्ता और खाना में, क्योंकि मम्मी जी के जाने का भी टाइम होता है सुबह 8 बजे। और किचन मेरा पूरा फैल गया है सुबह के काम से, तो सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गंदगी में काम करने में मज़ा नहीं आता। तो ये क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर से मैं खाना बनाने में लग जाऊँगी। और आज खाना में मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी और चावल बना रही हूँ। और पालक काफ़ी हेल्दी होता है, तो पालक की सब्ज़ी तो मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन हमेशा हर तरीके से बनाती हूँ। कभी मैं पालक में पनीर डाल के बनाती हूँ, और आज मैं बना रही हूँ प्याज और मिर्चा का फ़ोरन डालकर होता है ना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैं वैसे ही बना रही हूँ पालक, और काफ़ी ज़्यादा मम्मी जी ले आई थी पालक, तो बस आज पालक और चावल बन रहा है। सब्जी और चावल जब तक बन रहे तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, और मैं यहाँ पर बर्तन धो ले रही हूँ। सुबह में नाश्ता का जो भी बर्तन था, चाय वगैरह का, वो थोड़ा बहुत हो गया है, तो साथ में मैं धो लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक साथ ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होता है, और टाइम का भी बचत हो जाता है, तो साथ में मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। और बाद में तो और भी बर्तन होंगे ही, लेकिन अभी जो टाइम बचा है मैं उस टाइम को यूज कर ले रही हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं चली गई फ्रेश होने, और अभी देखिए मैं नहा धोआ कर और आ गई हूँ पूजा करने। और जल्दी जल्दी मैं पूजा भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी के जाने का टाइम हो रहा है, और मुझे यहाँ पर उनको खाना निकाल कर देना था, साथ में नाश्ता भी पैक करना है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और उनका नाश्ता पहले उनके लिए खाना निकाल दूंगी, उसके बाद मैं उनका लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। और उनके जाने के बाद ही मैं अपना खाना, क्योंकि मैं सुबह सुबह चावल नहीं खाती, तो मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी। और मम्मी जी यहाँ जा चुकी है, तो अब मैं अपने लिए खाना बना ले रही हूँ। और सुबह में मैं रोटी बनाऊंगी, और सब्जी था मेरे पास, तो बस रोटी बना लेना है। और खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई हूँ, अपना किचन का थोड़ा सा काम है तो मैं कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं डब्बा को चेंज कर ले रही हूँ, क्यों वैसे तो मैं कुछ दिन पहले ही अपना किचन को पूरे अच्छे से क्लीन की हूँ, लेकिन कुछ डब्बा को मुझे चेंज करना था। और ये छोटे छोटे डब्बे मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, उस डब्बा में सब मैं फिल कर रही हूँ। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और आज मैंने आप लोग के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर की हूँ, सुबह 5 से 10 बजे तक का रूटीन। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।